कोडल। एक सप्ताह पहले गांव पेगलतू में 10 साल की गूंगी बच्ची की दुष्कर्म कर हुई हत्या के मामले में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठ को ज्ञापन देकर मृतक बच्ची के परिवार वालों की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पलवल गांव पेगलतू के अंदर हुए 10 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या बलात्कार की घटना और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए व पीड़ित परिवार जो बच्ची के माता पिता हैं दोनों अपाहिज दिव्यांग हैं की कानूनी संवैधानिक न्याय और हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक मदद व एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए ADC पलवल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कांग्रेस पार्टी की माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार ज्ञापन दिया। जितेंद्र चंदेलिया प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी। जी आज आपने ADC साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या ज्ञापन सौंपा है और किस उद्देश्य से ज्ञापन सौंपा है? देखिए आप देख सकते हैं जब से हरियाणा में भाजपा जजपा की सरकार बनी है भैर भ्रष्टाचार का माहौल है। और अभी एक मामला पलवल जिले का पैंगलतू गांव का था, 25 तारीख को एक 10 साल की एक बच्ची का शव मिला था जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के न्याय के लिए उसकी आर्थिक मदद के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम मार्फत ADC साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। और हमारा मेनली ये कि दोषियों को सजा मिले और जो पीड़ित पक्ष है उसकी दयनीय स्थिति है, बच्ची के जो माता पिता हैं वो भी अपाहिज हैं। तो एक मानवता के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और माननीय हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज मैंने यहाँ पर ADC साहब पलवल को ज्ञापन दिया कि पीड़ित पक्ष को कानूनी इंसाफ मिले और सामाजिक उसको इंसाफ मिले, दोनों तरीके से इंसाफ मिले और आर्थिक मदद उसको की जाए, एक सरकारी नौकरी परिवार को दी जाए।